हरिद्वार की भुवनेश्वरी सिद्धपीठ में नवरात्रि के अवसर पर चल रहे दिव्य अनुष्ठान से यहां पर भक्तिमय माहौल बना हुआ है। मां भुवनेश्वरी की दैनिक पूजा पाठ के साथ साथ रुद्र अभिषेक सभी बच्चों के द्वारा रामचरितमानस और 9 दिनों तक निरंतर चलने वाला अखंड यज्ञ दुर्गा सप्तशती पाठ के माध्यम से मां की पूजा अर्चना की जा रही है। यहाँ एक साथ 3 पुराणों का भी आयोजन किया गया है। आचार्य विनोद ममगाई कथा का वाचन कर रहे हैं। उन्होंने भागवत की सबसे बड़ी महिमा के बारे में बताया। इस घोर कलयुग में मनुष्य बहुत ज़्यादा तनाव और अशांति में जी रहा है। जैसे सारी नदियां समुद्र की तरफ भाग रही हैं, उसी प्रकार आनंद रूप कृष्ण से अब अंश है और भाग दौड़ करने के बाद मनुष्य अशांत है। जय माँ भुवनेश्वरी। शारदीय नवरात्रों के पावन शुभ अवसर पर माँ के दिव्य प्रांगण में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के साथ साथ में शिव महापुराण की दिव्य कथा का श्रवण आचार्य सद्देह पंकज ममगाई जी के द्वारा श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की दिव्य कथा का श्रवण सद्देह आचार्य श्री विकास पंत जी के द्वारा और श्रीमद् भागवत जी की कथा मेरे द्वारा भक्तों को श्रवण कराई जा रही है। हमारे जीवन में भागवत जी का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि यह मानव देह बड़े भाग्य से बड़े प्रारब्ध से जीव को मिलता है और इसी मानव देह से को प्राप्त करके जीव मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि यह मानव देह प्राप्त होने पर जीव को कभी भी स्वस्थ होकर के बैठ नहीं जाना चाहिए। ये मानव देह केवल भोजन करने के लिए, शयन करने के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए जीव को नहीं मिला है, क्योंकि यह मानव देह